दोस्तों एक बार फिर सारे अपनी पंजाबी चैनल हिंद पंजाब स्वागत है। अज का एपीसोड मैं उस समाज की निगरती हुई हालत बारे कर रहा जो कल देर रात मैं खुद महसूस की। बड़ी बारी यार दोस्तों तो लोगों तो जान पछाण वाले तो ईवन पुलिस वालों तो सुनिया कि चंडीगढ़ मोहाली और जीरकपुर पंचकूला ट्राई सिटी जिन्हों कहते इतने कुड़िया अपने जिसम फरोशी के धंधे च लगिया हुई ने वड्डी गिणती विच पर मन्नण च नहीं सी आउंदा कि इन्नी वड्डी गिणती जां इन्ने वड्डे लैवल ते इह देह व्यापार का धंधा इस एरिए हुंदा होगा। वो एरिया जिथे मैं अपने बचपन के जिंदगी के पहले 25 साल गुजारे तो यह जिहियां गल्लां कदे सुनिया नहीं सी। समें के नाल नाल चलन भी बदलता है पर बद चलन इन्नी तेजी नाल वधेगा तो वध रहा यह कदे आशा नहीं सी रखी तो ना कदे सोचा सी। मुंबई वर्गे शहर हर पोर्ट सिटी जड़े होंगे बंदरगाह होंगे ने उत्ते अद्धी दुनिया घूम के देखा किमें हर बंदरगाह से एक रैड लाइट डिस्ट्रिक होंदा जिथे सेलर जिन्हों आप कह दें समुद्री मुलाजम जहाज़ा दे जो जहाज़ लंगर लाते हैं बंदरगाह से उतरते हैं तो अपने इन्ने साल महीनों की धरती तो गैर हाजरी को पूरा करने लई इस किस्म के जिसम फरोशी गरीदो परोखत टाइम पास करना इस किस्म दिया गतिविधियां शामिल होंगे है। इनू एक उन्हां दी जिंदगी का हिस्सा कहा जाता है। अंग्रेजी की कहावत है सेलर्स हैव अ वॉइस एट एवरी पोर्ट जिहड़े सेलर होंगे समुद्री जहाज़ों के मुलाजम उन्हां दी हर बंदे दी हर पोर्ट ते एक घरवाली हुंदी है ये कहावत है। जदों दुनिया भर च घूमण दा मौका मिलिया इहदे एविएशन कोरस्पोंडेंट कोलंबो गए वो भी बंदरगाह उत्थे भी रैड लाइट डिस्ट्रिक एमस्टरडम गए तो उत्थे भी बहुत वड्डा रैड लाइट डिस्ट्रिक फ्रांस गए उत्थे भी रैड लाइट डिस्ट्रिक लंडन च भी हैगा। सो मतलब दुनिया भर च कितें भी चले जाओ लाहौर की हीरा मंडी बड़ी मशहूर है भावें वो बंदरगाह नहीं है। दिल्ली का जी बी रोड मुंबई का फारस रोड कलकत्ता का चाइना बाजार इस कहना मतलब काली कार पत्नी की ना तो वो सुनिया सी असी कि बंदरगाहों की शायद एक मजबूरी होंगी है जिथे खुले तौर पर जिसमें का धंधा होता पर उन्हां शहरां च जिहड़े शहर एक तहजीब लैके जमे सी नवें वसाए गए सी शायद उन्हां शहरां नूं वसाउण वालिआं ने कदे नहीं सी सोचिआ कि अज तों 60-70 साल बाद इस शहर च भी एक रैड लाइट डिस्ट्रिक होना चाहीदा जिथे लोग अपनिआं जिस्मानी भुखां नूं पूरीआं कर लई बिना किसी शर्मशार तो बिना किसी खतरे तो बिना किसी पुलिस के डर तो समाज के डर तो अपन भुखा पूरिया कर सकन अपना ढिड भर सकन। दुख हुंदा जदों इहोजियां गल्लां इहोजियां हरकतां शरेआम देखण नूं मिलदियां। अज तो बड़े साल पहला जदों मैं मुंबई नवा नवा गया थी 5-star होटल नौकरी करन दा मौका मिलिया बड़ा नज़दीकियों देखिया कि किवें कहदे कौहों दे घरां दे न्याणे कुड़ियां मुंडे और इस किस्म दे होर सैलीब्रिटीज़ फिल्म इंडस्ट्री नाल जुड़े लोग कुड़ियां मुंडे फैशन इंडस्ट्री नाल जुड़े अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बरकरार रखण लई किवें अपने जिस्मां दे सौदे करदे सी बड़े करीब तो देखिया औरतों भी तो मर्दों भी
उन्हां दीआं आपणीआं किस्म दीआं मजबूरियां सी और लोग इस गल च कई वारी शान भी समझदे सी कि मेरे फलां औरत नाल जिस्मानी रिश्ते ने ते टिमका टिमका और मेरे बहुत सारे दोस्त जो पंजाब तो आउंदे सी मुंबई उदों बाबे कहिंदे सी उहनूं उन्हां दी सब तो पहली फरमायश उह हुंदी सी ये सानू रैड लाइट एरिया दिखा के लियाओ या कितने डांस बार च लैके चलो इतों की नाइट लाइफ देखनी है। मैं बड़ी हैरानी होंगी सी कि सारे शादीशुदा लोग कॉलेजों के प्रोफेसर यूनिवर्सिटियां पढ़ाने वाले बड़े अहुदियां ते बैठे सरकारी मुलाजम IAS PCS अफसर IPS अफसर भी जिहड़े एक जमाने च मेरे नाल पढ़ते रहे सी उस तो बाद वड्डे अफसर बन गए उन्होंने चो कई तो DGP भी बने कुछ अडिशनल चीफ सैक्रटरी बने PCS तो बहुत सी मजिस्ट्रेट रहे हाई कोर्टा के जज रहे सुप्रीम कोर्ट के जज रहे उन्होंने मैं माण है दोस्तों से जिन्होंने एको समय असं पढ़ते सी उन्होंने बहुत तरक्की की पढ़ लिख के पर नाल दी नाल एक योजा हिस्सा भी सी जिहड़ा मुंबई च आ के अपने पुराने रिश्तों का वास्ता दे के इस गल की मंग कर देती कि उन्होंने नाइट लाइफ दिखाई जाए। ये मेरे करैक्टर का हिस्सा नहीं सी पहला तो मैं योजना गल् चंगी नहीं सी लगदियाँ कि मैं किसी न किसी भी जगह पर लैके जाव जिथे मेरा जाने जी नहीं करता तो उस बाद कोई घटना हो जाए तो जिन्हों लोगों के बारे मैं अखबारों से खबर छापदा उस तरह की खबर मेरे नाम की छपी हो बलजीत परमार राती फलाने अड्डे तो फड़िया गया तो मैं यहोजियां गलों तो दूर ही रहता सी पर पुराने दोस्त जिन्हें कई मेरे अध्यापक भी थे उन्होंने दो तीन जाने तो पद्मश्री भी मिल गया कोई शायर कोई थिएटर का आदमी कोई लिखारी कुछ होर भी ने एक दो योजे जिन्होंने पद्मश्री मिलया कंट्रीब्यूशन कोई नहीं पर लै गए पर पद्मश्रिया दियाँ हरकत जो मैं मुंबई च देखिया मैनू कई बारी कल्ले बैठिया शर्म आती थी कि लोग जिन्हों असी अपना मोहरी मानते होंगे सी एक हीरो आइकन आइडल मानते होंगे सी ये पंजाब तो निकलती मुंबई आके इन्हां दी पहली डिमांड की बहुत घट कभी इस तरह हुंदा सी जदों किसी ने आके ये कहा होवे कि सानू एलीफेंटा केव्स दिखा लियाओ अजंता अलोरा दिखा लियाओ या समुंदर कोई क्रूज की सैर करा दियो या जहांगीर आर्ट गैलरी दिखा दियो या प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम या एशियाटिक लाइब्रेरी या काला घोड़ा आर्ट सेंटर या खालसा कॉलेज बहुत पुरानी हिस्टोरिक इमारत गोथिक स्टाइल बनी हुई मुंबई का आर्कीटेक्ट बैलड पीर दियाँ इमारत बंदरगाह मिंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक एक्सचेंज एल्फिंस्टन कॉलेज मतलब जे लैंडमार्क्स ने मुंबई के यदि किसी ने कोई कदे सिफारिश नहीं की कि सानू दिखाओ या उस जमाने एशिया का सब तो वड्डा हॉल जिथे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स होंगे सी शनमुख नंदा हॉल वो दिखा दू कदे यही गल किसी ने नहीं की। पहला सब तो सवाल अटैची केस रख के पहला उदो कहते यार सानू को बंदा लभ के दियो जिहड़ा सानू यही जगह पर लै जाए बड़ी हैरानी होंगी सी पर हुण इन्ने साल बाद जो मैं पंजाब रहने का मौका मिल रहा तो मैनू लगता कि हुण शायद किसी को इस जिस्मानी भुख को पूरा करने ना तो बॉम्बे जाने की लोड़ है ना दिल्ली जाने की लोड़ है ना बैंकॉक जाने की लोड़ है ना एम्स्टरडम जाने की लोड़ है ना मोरक्को जाने की लोड़ है ये लोग इतने ही सारा कुछ सू मिली जाता तर्क सड़ी जाता सारा कुछ और कल राती जो मैं नज़ारा देखा बहुत डिस्टर्ब रहा मैं कल असी पुराने दोस्तों ने इकट्ठे रात का खाना खाने का प्रोग्राम बनाया सी
कुछ थिएटर के लोग से, कुछ फिल्म इंडस्ट्री ना जुड़े दोस्त से, तो असी कोई बड़ा होटल रेस्टोरेंट या सैलीब्रिटी किस्म की कुछ किसी भी योजे होटल रेस्टोरेंट को छड़ के असी आपस सलाह की कि किसी उजाड़ की जगह से जिते आपां नूं कोई जान दाना हो, पहचान दाना हो, किसी को यह ना पता हो कि आप कौन, आप खुल के हथ सकी दिल दियाँ गल्लां कर सकी, पुरानियां यादां कैंपस के टाइम दियाँ, थिएटर के टाइम दियाँ, मुंबई के वक्त दियाँ दुख सुख फोलांगे, भी सारे परिवारक तौर पर भी जुड़े हुए दोस्त। तो असी 6-7 जाने एक फेज 5 च एक बड़ा मार्केट के पिछे जे उजाड़ जी चुक जितों दियाँ गड्डियाँ लंघ दियाँ नहीं, को आम राह नहीं है, गड्डी थोड़ी दूर पार करनी पैंदी है, थोड़ा तुर के जाना पैंदा। वो एक साढ़े मित्र दे अगे मित्र दा वो ढाबा, बड़े लोग जिहड़े खाण पीण दे शौकीन है उन्होंने शायद नाम सुनिया होगा, मोहन सिंह मुर्गे वाले दा ढाबा 5 फेज च, एक कोई चीमा हॉस्पिटल है शायद उहदे ऑपोजिट मेन मार्केट की बैक साइड से, होर भी कई इस किस्म के उत्ते छोटे छोटे ढाबे है, बड़ा ऑर्डिनरी किस्म का, पर प्रैपरेशन बहुत कमाल की सी। मैं तो पहली बारी गया थी, वैसे ही मैं नॉनवेज का बहुत घट शकीन आ, कदे कदे खाई दा, पर चंगा लग्या, माहौल भी ठीक सी, शांति सी, रौला रप्पा नहीं सी, ना तुसी किसे बारे बोलदे सी, ना तुहाडे बारे कोई बोलदा सी, ये गल्लां करदे सी, पुरानियां गल्लां करदे, बहुत लेट हो गए, रात दा 1 बज गया, पता ही नहीं लग्या कदों 1 बज गया, 7:30 बजे ते बैठे असी हस रहे हैं, चुटकले सुना रहे हैं, शिव कुमार दे गीत गाए गए, आरिफ लोहार दे टप्पे सुने गए, होर बड़ियां गल्लां पंजाब दियां, राजनीति दियां भी हुई, भगवंत मान दे चुटकले भी सुने असी, जिहड़े एक समें सुणाउंदा हुंदा सी, आर्टिस्ट थे 3-4 मुंडे, उन्हें नकलां वधिया ला लैंदे एक दूजे दियाँ, उन्हां चों एक कलाकार भगवंत मान दियाँ नकलां बहुत सोहणियां लाउंदा, वह भी असी सुनियां, तो उस तरह नवजोत सिंह सिद्धू दे ठेकरेबाजी भी सुनी, नप दे किली पतरी की जिहड़ी सुणाउंदा हुंदा, वह भी दोस्तां ने सुनाई, तो कर इन गल्लां करदे रात दा 1 बज गया, तो मैं बजाए ये कि वह दोस्त मैनू इन्नी दूर छड़न आते, कई मील दूर मेरा घर है लाडरा के नेड़े भागो माजरे पिंड च रहना मैं अजक, मैं छड़न जान के मैं उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं एक टैक्सी मंगा दौ, ओला उबर जो भी आ, वो कहिंदे उन्हां दी स्ट्राइक चल रही है, टैक्सी वाले भुख हड़ताल से बैठे ने हफ्ते तो, फिर भी कोशिश कर लें शायद को आ ही जाए, चंगी किस्मत से 50-70 मिनटा च एक मुंडा यंग पंजाबी आ गया, थोड़ी देर असी अजे बैठे से तो वह भी साढ़े नाल बह गया थोड़ी देर, दोस्त मैनू हैरानी हुई सुन के, वह मुंडा जरा ओला की कैब लैके आया, छोटी जी मारुति 800 छोटी जी कार, बड़ा सीटा भी बड़िया टाइट से, बाद मैं बैठा पता लग्या गैस सिलेंडर करके सीटा अगे की थी, पिछली लैग स्पेस नहीं थी बराबर, पर वो साढ़े को बह गया, गल उन्हें पछाण लिया, 2-3 जण मैंने भी पछाण लिया, कि प्रोग्राम देखे उन्हें, कलाकारों भी पछाण लिया उन्हें, वो मुंडे ने पंजाब यूनिवर्सिटी तो एम फिल की हुई, एम ए पंजाबी, उदो बाद एम फिल, और 3-4 बड़े बड़े पंजाबी दे सैलीब्रिटीज़ उहदे नाल हॉस्टल च रहते रहे, एक बहुत वड्डा सिंगर उहदा रूममेट भी रहा, डॉरमेटरी दोने इकट्ठे रहते, बड़ा इंटेलीजेंट मुंडा, स्मार्ट, लंबा चौड़ा, हसमुख, नेचर बड़ी चंगी, तो टैक्सी चला रहा ओला दी, बह गया साढ़े को 15 मिनट, उहदी असी कहानी सुनी, सानू बड़ी इंटरैक्टिंग कहानी लगी, उहदी ट्रैजिक भी लगी पर इंटरैक्टिंग भी सी, उस मुंडे ने दस्या कि वह 10 साल उन्हें पंजाबी दे अखबार च भी काम किया, पर उत्ते कहिंदा प्लाइटेशन बहुत सी, तनखा टाइम से दिंदे नहीं सी, और पुठे गलत काम करन नूं ज़्यादा कहते सी, ड्यूटी आवर्स कोई नहीं सी, कोई रहण दा पता नहीं, कुछ नहीं, ना टाइम तनखा देनी, फिर कहिंदा मेरा विआह हो गया तो मैनू जलंधर छड़ के
मोहाली वापस आना पिया। इतने आके मैंने कोई नौकरी नहीं मिली, मेरी कोई सिफारिश नहीं सी, मैं आम साधारण परिवार का आदमी सी। माँ प्यो ने बड़ी मेहनत करके मैं हॉस्टल च रख के पढ़ाया सी, पर नौकरी कोई चाहती मिली नहीं। तो मैं गड्डी चलाउणी आउंदी सी, मैं टैक्सी चलाउणी शुरू करती। हुण कहिंदा ठीक है, ज़्यादा आमदन नहीं है, पर मैं अपना घर आराम नाल पाल रहा, शादीशुदा एक बेटा। खैर बड़ा दुख लग्या कि इन्ना पढ़ लिख के भी इन्ना इंटैलीजेंट बंदा जी, तो मैनू कोई कमी नज़र नहीं आई। तो मैनू उहदे नाल दोस्ती जी हो गई थोड़ी भी। मैं भी उस यूनिवर्सिटी तो एक जमाने एम ए करके गया सी, हॉस्टल से रहिंदा गया सी, बाद मैं भी पत्रकार बन गया, अज भी पत्रकार ही हाँ। तो साडा काफ़ी कुछ मिलता सी, खाली उम्र का फर्क सी, तीन चार दहाकिया का फर्क। वापस आते हैं पांच फेस चो जो मैं सीन देखे रात को, जो पहली बारी मैं मोहाली देखे सिर चकरा गया। एक चौंक मैं राती तो कुछ नहीं कहा, मैं सवेरे उन्होंने पूछया फोन करके तो कि चौंक से जिते आप नज़ारा रात को देखा। वो 3-2B और फेस 5 के विचाले द लाल बत्तियां वाला चौंक जिते ट्रैफिक लाइट लगी हुई थी। तो मेरे उस मित्र ने दसा कि उस चौंक का नाम है रेड लाइट चौंक। मैं कि रेड लाइट चौंक क्यों? कहिंदा जो नज़ारा आप राती देखिया सी उस करके उहदा नाम साडे टैक्सी ड्राइवरां दी फ्रैटरनिटी साडी जमात च पिया रेड लाइट एरिया, जिवें हुंदा जिथे वेसवा वृत्ति हुंदी आ रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट रेड लाइट एरिया, उस करके इस चौक को रेड लाइट चौक कहा जाता। दोस्तों 10-12 कुड़ियाँ मुटियारा जवान खूबसूरत हर पक्षों सोहनिया पढ़िया लिखिया भी लगदिया, और उस चौक ते खड़िया गाहक लभ रहे। कुछ बंदे उन्होंने गल कर रहे थे, कारा पिछे खड़िया थी, 2-3 कुड़िया कारा च खड़िया, 1-2 ऑटो रिक्शा च बैठिया, वो रात ले पूरे रात ले किराए से ले लेंदिया ऑटो। थोड़ा जि अगे लैफ्ट साइड से अंदर में जाके 35-40 गज की दूरी पर एक पुलिस वाले की PCR वैन खड़ी सी, उहदे च भी कुड़िया बैठिया सी, पुलिस वाले भी बैठे सी। मैं अपने दोस्त को पूछा जिहड़ा रात में गड्डी चलाउंदा, दिने कुछ होर काम करता, अपना घर बालण नहीं दो काम करता, दिने कित काम करता तो रात में टैक्सी चला। वो कहते जी ये रोज़ का काम है इन्हों का, ये कुड़िया सारे पंजाबण ने कहता। मैं यूँ लगता भी कित बहरले स्टेट चो कित उत्तर प्रदेश तो, जिमें मुंबई डांस बारह 90% कुड़िया जड़िया डांस कर आदियाँ सी उत्तर प्रदेश तो आदिया सी। मैं लगता इतने भी कित इतों आई होनी बहरों। वो कहते नहीं जी मैक्सीमम कहता कुड़ियाँ पंजाब दियाँ, थोड़िया दियाँ बहुत घट गिणती च राजस्थान और हिमाचल दियाँ ने, उत्तर प्रदेश वालिया बहुत घट ने। उन्होंने रात में चलते गवाह गाहक होंगे सब होंगे वाह पैदा रहा। मैनू इन्ने लम्मा एक्सपीरियंस मुंबई च रह के होया कि जिनी नॉलेज किसी शहर की टैक्सी ड्राइवर ज ऑटो ड्राइवर नूं हुंदी है उन्नी पुलिस वालों नूं नहीं हुंदी। मेरे मोबाइल फोन चली तुसी देखो तो घट्टो घट 150 टैलीफोन नंबर जेड़े ने वो टैक्सी ड्राइवर और ऑटो ड्राइवर दे आ। कोई जदों कितें शहर तो कोई बड़ा हादसा हो जाता सी, मैं फटाफट इन्हां लोगों नूं पहला फोन करता सी कि भरावा तू कित्थे आ, ते जिहड़ा मेरे वो हादसे नेड़े हुंदा सी वो तो मैं उस इलाके की खबर लै लैंदा हुंदा सी। मेरा नैटवर्किंग करन दा इहो जिहा स्टाइल सीगा, मैं तरीका बना के रखिया। खैर इस तरह चंडीगढ़ मोहाली के भी बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर्स के नंबर मेरे को है, जोड़े नवे मिलते हैं मैं नंबर लैके रख लैंना। बंदे ने दसाया कि इन्हों की जिंदगी बड़ी विचित्र, एक कुड़ी उन्हें दसिया जी कार कित पहाड़े पर लई होनी है पूरी रात ले, उन्हें कित एम ए पढ़िया मुंडा करदा लिटरेचर का स्टूडेंट, सवाल जवाब कर लग ही जाता।
उस कुड़ी की माँ एक ASI ने जो खरड़ पोस्टर से अज तो 5-7 साल पहला उन्हें अपनी रखैल बना के रखे थी। तो कुड़ी उस थानेदार की परवरिश वड्डी हुई उदो छोटी होंगी सी, तो थानेदार ने यदि माँ को रखैल रखा सी तो नाल ही उस कुड़ी को भी एक्सप्लॉइट किया। माँ ने कोई इतराज नहीं किया। उस तो बाद माँ बीमारी ना मर जाती है 2 साल पहला। जो कुड़ी ने मेरे इस बंदे को कहानी सुनाई मैं सुना रहा, तो उस तो बाद कुड़ी फ्री हो गई। कहती मेरा अपनी मैं तो अपनी माँ करके उस थानेदार के किराए पर लैके दिते घर से रहती सी, तो मैं उन्होंने छड़ता हूँ मैं अपना काम जरा वो मेरे तो करवादा थी वो काम मैं आप अपनी मर्जी ना करती हाँ, तो मैं बड़ी सुखी हाँ, मैं अपने 4 पैसे कमा भी लैनी हाँ, बढ़िया मौत रहनी। अगे मेरी एक्सप्लाइटेशन वो थानेदार करता हूँ सी, तो मेरी कमाई का अद्धा हिस्सा भी लै जाता सी। तो कई पुलिस वाले को पता कि मैं उदे सर्कल च रही हूँ एक जमाने, तो मैं पुलिस वाले घट ही तंग करते, अजे भी कदे कोई फड़ लैन तो वह ना लै दें तो मैं छड़ देंगे। योजे कई किस्से मेरे उस टैक्सी ड्राइवर मित्र ने मैनू सुनाए। पर दोस्तों कल घर आने तो बाद रात के 2 बज गए सानू घर आद, मैं होर कई जगह भी वो दिखा के दिया जिते जिते इस किस्म का रात को जिसम वेचण का बाजार लगता चौंकों च। मैं बलौंगी वल भी लै गया बाद चो, एक पिंड कोई होर बलौंगी तो घर में जाओ तो झुग्गियां जा झुग्गियां योजा कोई ना, वो नाल जी सड़क है मेन रोड उत्थे भी पुल के थले कुड़ियां खड़िया 15-20 बलौंगी वाली रोड से। गोपाल स्वीट्स एक जगह हैगी मठियाई की दुकान, वो परले पास एक पार्किंग है छोटी जी उत्थे कुड़ियां खड़िया। फिर एक एयरपोर्ट रोड तो थोड़ा जहा अंदर जाके एक कोई एरिया है जिन्हों BPO एरिया क्या कह रहा थी शायद, उत्ते BPO सेंटर बहुत ने कॉल सेंटर, वो तो रात में 1:30 बजे शिफ्ट खत्म होंगी है, तो बड़िया कुड़िया उत्थे नौकरी कढ़ के मेन रोड से आके खड़िया हो जाएं। वो जैनुअन लिफ्ट लेके जा कुछ लोग पिकअप करने आए होंगे, कुछ कंपनी ने गड्डिया लाइया होंगे, पर रात को 2-2:30 बजे तक उत्थे भी वो बाजार काफ़ी गर्म रहा। जो मैं घर आया तो मैं डिस्टर्ब सी थोड़ा, नींद नहीं थी आ रही, मैं मोबाइल लैके बैठ गया। तो उदे ते एक प्रोग्राम मैं सवेरे अर्ली मैं 4-4:30 बज गए सवेर के सौन लग्या। एक कोई कुड़ी मौके की उन्हें इल्ज़ाम लगाया, पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया, 3-4 बंदे फड़े भी आ। वो शायद प्रवासी लगती है, किसी के घर काम करती थी, उत्ते उन्होंने उन्होंने दारू पिलानी ड्रग देनी शुरू करती, तो ड्रग दे के उन्होंने होटल भेज के उस कुड़ी के जिसम की कमाई खाने लग गए। तो पुलिस ने वो बंदा तो औरत भी फड़ी आ और उसकी इनक्वायरी चल रही, और कुड़ी रो रो के अपना हाल दस रही थी कि किवें मेरी मजबूरी का फायदा उठा के इन्होंने मैनू ड्रग के धंधे च भी लाता, तो जिसमानी धंधे च भी लाता। हूँ वो केस चल रहा। फिर मैं एक होर प्रोग्राम TV चैनल वाला कोई सुना रहा थी, उत्ते भी कुड़ी अपना दुखड़ा रो रही है कि किवें मैनू ड्रग के धंधे च फसा के मेरे सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड ने मेरा जिसम बेचना शुरू करता, मेरी कमाई खाता रहा। दोस्तों मैं कोई मॉरल पुलिसिंग या कोई थानू अध्यात्मक लैक्चर नहीं दे रहा, पर कितने ना कितने साढ़े समाज की हालत निगरती जा रही। असी अपने बच्चों को संभाल के नहीं रख रहे, या शायद साढ़े को इन्ना वक्त नहीं है, या असी उन्होंने बहुत दूर दराडे पर भेज दें जिते उन्होंने कोई निगाह नहीं होंगी, कोई देखभाल नहीं होंदा, खर्चे ज़्यादा होंगे आ, माँ प्यो इन्नी पैसे दे नहीं सकते, तो बच्चे अपनी आज़ादी और अपन लोड़ा पूरिया करने योजे काम कर लग जाते। जो कनेडा तो आए लोग तो साढ़े खास तौर पर कैनेडा तो दसते हैं कि अपन कुड़ियाँ छोटी उम्र 17-18 साल की उम्र माँ बाप ने पढ़ भेज दी उ कर दियाँ। मैं पहला सच नहीं थी लगता, ये लोग शायद बधा चढ़ा के गल्ला करते हैं।
पर इत्थे जो कुछ हो रहा ये देख के मैनू लगता कि ये जो गल्लां वो लोग करेड़ा बारे साडियां कुड़ियां बारे करते सी वो सही हो गया। तो दोस्त मेरा सुनेहा यही है कि ये जरा ओपन देव व्यापार हो रहा ये रोकना चाहिए, या तो तुम लीगलाइज कर दौ, एक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट बना दौ, मोहाली जी कि जिन्हें जाना उठे जाए एक एरिया कर दौ, जब तुम टॉयलेट कर रहे हो सड़क पर होना पुलिस वाले 30-40 गज दूर बैठे अपनी PCR बड़ी सारी गड्डी लैके मोहाली पुलिस वाले तेनों लीगल कर दौ, या उन्होंने एक एरिया दे रहे हो कि तुम इस एरिए खड़िया रहा करो, जिन्हें जाना जाए उतों जो करना करे, हर चौंक से हर तीजे चौंक से ये मुजहरा जिसम फरूशी का करन दी की लोड़ है। ये ठीक है कि लेट नाइट सी, छोटे बच्चे फैमिलीज घट तो उस वे रात को गुजरते उन्होंने सड़कों तो, नहीं तो बच्चे पूछ लेंदे आ की हो रहा, तो कितने ना कि मैंने जवाब नहीं सोच रहा। मैं थोड़े तो छड़दा, तुम भी यहो जी गल इस शहर च रहने हो देखते दे हो गए की लगता तुम कि ये कोई समाज का सरकार का साडे लीगल सिस्टम का साडे मॉरल पुलिसिंग का कोई रोल है, जो हो रहा होन दई मॉडर ना करिए, अपनी आत्मा अपना आत्मा का दुख दर्द अपने को रखिए, आप लैना किसी की कुड़ी जो मर्जी करे 18 साल तो उपर आज़ादी है करन दी करन दियो, या कोई ना कोई हल हैगा प्लीज सुजैसट करो अपने सलाह दियो। मैं अपने दोस्तों ना गल करके कोई एदा कोई ब्लू प्रिंट बनावांगे की कीता जा सकता, तो जिहड़ियां भी अथॉरिटीज हैगियां रेलेवेंट उन्होंने कंटैक्ट करने की कोशिश की जाऊगी। तो मेरी तुहानूं बेनती यही है कि ये गंभीर समस्या जो मेरे दोस्तों ने दसिया ये बहुत ज़्यादा वधदी जा रही, जीरकपुर वाल बहुत ज़्यादा है, तो कुछ ना कुछ इहदा हल कढ़ना चाहिए। कोई भी बीमारी इहोजी नहीं हुंदी जिहदा इलाज ना होवे, ये तो समाजिक बीमारी है जां बुराई है जां मजबूरी है जां मनोवृत्ति है जां आज़ादी का इजहार है जां कोई किसी किस्म की कोई बंदिश है जिन्होंने तोड़ना चाहते हैं। तो तुहाडी की राय है समाजिक समस्यावां बारे समूह राय होनी बहुत जरूरी होती है, इस करके मैं समस्या तुहाडे नाल साझी कर रहा। मैं किसी ते कोई इल्जाम नहीं ला रहा, किसी नूं दोषी नहीं मान रहा, क्योंकि दोषी करार देना जां सज़ा देना जां कुछ करना वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो जो समाज दिख रहा सामने वो थोड़े तक पहुँचाना है जो मैं कर रहा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।